आपको पता है ना, सेकेंड यूट्यूब पेमेंट आने वाली है मेरी। और भाई क्या हाल चाल, समझता है? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, गुड मॉर्निंग। तो मैं भी भट्टी लगाने गया था, फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने भाई से बोल दिया तो भट्टी लगा देना, तो लगा दे रहा है वो। पकड़ो। कहाँ? तो आलू निकाल दिए हैं, अब निकाल रहा हूँ थोड़ी सी मैं आग, इससे क्रीम डालूंगा, इसमें खाना बनेगा। बे यार गर्मी, तो हाथ में और निकालना है, एक और निकाल दूं बड़ा सा। तो भाई वो काम कर दिया, अब 5-10 मिनट लगेंगे वहाँ पे। वैसे इस व्लॉग में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे सेकेंड यूट्यूब पेमेंट के बारे में। आपको पता है ना, सेकेंड यूट्यूब पेमेंट आने वाली है मेरी। पता कैसे होगा, मैंने बताया ही नहीं था। तो वो मेरा रेसिपी चैनल वाला बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें मेरी फर्स्ट पेमेंट तो आई थी, बट कभी कभी मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि कभी कभी जो डॉलर ऐड होते हैं ना, वो कभी कभी 11 तारीख को ऐड होते हैं, कभी कभी महीने के स्टार्टिंग में, मतलब 1 तारीख को ही ऐड हो जाते हैं। तो इस मंथ के मेरे ऐड हुए डॉलर $44 ऐड हुए। अब कल पता चलेगा पूरा, कल या परसों पता चलेगा कितने पेमेंट मिलने वाली है। तो वो सब आपको आगे वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आप लोग के पास कोई आइडिया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि डॉलर जो ऐड होते हैं वो 21 तारीख से पहले ऐड होते हैं कि 1 तारीख को ही ऐड हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि एक महीना पहले पुरानी ऐड होती है, नहीं पता, लेकिन पेमेंट मेरी आने वाली है फाइनली। और जहाँ तक मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं उसमें पता चलता है कि आपकी मई महीने की जो अर्निंग है वो अप्रैल महीने में ऐड होती है, लेकिन कभी कभी 11 तारीख को ऐड हो जाती है, कभी 1 ही तारीख को ऐड हो जाती है। ये थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना मनी इस बार आता है। और पिछला दोस्तों पेमेंट जो आया था ना, वो वाला आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे रेसिपी चैनल से इसमें आया है, वो मैंने बाइक का इंजन बनवा लिया था, 6,000 रुपये उसमें स्पेंड हो गए थे, और लॉकडाउन में कुछ खर्चा पानी इधर उधर सब कुछ खत्म हो चुका था। तो चलिए भाई इस बार की ना अर्निंग को सेव करेंगे, इस बार की क्या, हर बार की अर्निंग को सेव करेंगे भाई, खर्च नहीं करेंगे। अब पता नहीं सुनने में आ रहा कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, अब फिर से मेरा ठेला खड़ा हो जाएगा, लेकिन इस बार मैं घर में नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बेचूंगा। ये देखिए इनका नाश्ता चल रहा है अभी, और शेरू है नहीं तो इनका चांदी रहता है भाई, नहीं तो वो रहता है तो खाने कहाँ देता है इसको। सर नहीं, सर नहीं, खा ले। मैं चलता हूँ थोड़ा मार्केट साइड, क्योंकि कल वाला व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने एक टेबलेट खाई थी, तो जिससे आराम मिला था हल्का सा, तो सोच रहा हूँ जूस वगैरह पी के आ जाऊँ। और एक टेबलेट और है, दुकान निकालने से पहले एक और खा लूँगा, तो आई विश कि थोड़ी सी और बॉडी को आराम रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं अपने पापा से पैसा मांग रहा हूँ, दे पैसा, ये कर गया हो जाएगा। 100 रुपये, 100 रुपये नहीं, 200 रुपये दे। दो सौ। लाल मिर्ची भी लाना है, जो हरी मिर्ची कड़ी नहीं है ना। बोल रहे हैं हरा मिर्ची तीखा नहीं है, तो ठीक है। तो मैं आ गया हूँ भैया। अनार कैसे रुपये किलो? अनार 100 रुपये भैया। आधा किलो ले लेता हूँ, उसका जूस निकाल लूँगा यहीं पे, ठीक है? निकाल लेना। और एक गिलास अनार का जूस कितने का है? 50 का है। तो आधा किलो निकाल ले लेता हूँ यहीं पे, निकाल लूँगा। ठीक है ना, आधा किलो अनार लगे यहीं पे जूस निकालूंगा, तो 10-50 ग्राम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मैं जूस निकालने वाला था, बट ये मधुमक्खी के चक्कर में मेरे को डर लगने लगा, तो मैंने भैया से बोल दिया कि निकाल दे। अरे भैया निकाल दीजिए जल्दी जल्दी। ये देखो, अरे अंदर घुस जाते हैं लोग। बाप रे भैया, एक तो मौसमी में डाल दीजिएगा ना एक्स्ट्रा में, एक तो मौसमी में डाल दीजिएगा। हटिए रुकिए ना, डाल दे रहे हैं तभी ना। कितने ग्लास जूस हुआ था पता है? 3 ग्लास जूस हुआ था। चलो भाई, भैया पैसे ले लीजिए, 50 वापस कर दीजिए। चलो चलता हूँ मिर्ची लेने, लाल मिर्ची लेने जाना है अभी। तो मेरा भाई उन लोगों को फुल्की खिला रहा है, और मेरा चक्की का ना ये ख़राब हो गया, इसमें से हवा निकल जाती है मेरे ख्याल से बार बार, इसी को मैं बना लूँ। तो मैंने उसमें हवा भर दी, लेकिन हवा निकल रही है, शायद पंचर हो गया हो। अब चक्का निकलवा के बनवाना पड़ेगा, या कैसे भी करके बनवाना पड़ेगा उसको, नहीं तो ना ढकेलते ढकेलते ना बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा। पानी डाल के देखता हूँ कहाँ से हवा निकल रहा है। ओ भाई ये देखिए, एक मिनट ना, ये देखिए पानी डालूँ इसके ऊपर से निकल रहा है, और देखिए लिखा
चक्के के अंदर जो वॉल होता है ना वो उसका पूरा ख़राब हो गया, तो उसमें से हवा पूरी निकल चुकी है। फिलहाल और भी हैवी चलेगा। अरे ये लफड़ा है यार। तो ठेला ढकेलने में आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मेरी YouTube से पेमेंट आने वाली है। इसको सोने की चेन चाहिए, लेकिन सोने की चेन इसको चाहिए, लेकिन इसको ये नहीं पता कि पेमेंट आती कैसे है। मैं बताऊँ तुम्हें, पता है YouTube से कैसा पैसा आता? नहीं, इसको नहीं पता भी नहीं है कैसे आता है, इसको पता पर करना भी नहीं है। ये सुबह सुबह वीडियो देखता है। क्या देखता है तू YouTube में रोज? फिल्म। कौन सा फिल्म? एक फिल्म है। एक फिल्म है थोड़ी है, बस खाली उल्टा सीधा चीज देखते रहेगा। ये नहीं कुछ भैया उसमें पढ़ाई लिखाई भी होता है, सब कुछ होता है, इसको मतलब नहीं है। कुछ बना कुछ सीखेगा, लेकिन भाई मैं तो सेविंग करूँगा अभी फ़िलहाल, फ्यूचर के लिए कुछ काम के लिए अभी खर्च नहीं करूँगा। चलो मिलते हैं वहीं पे अब। आज पता नहीं सब लोग उपवास हैं क्या, पता ही नहीं यार, एकदम भीड़ ही नहीं है। और मेरे को लगता है ना कि गांव की खेती किसानी चालू हो गई। भाई आज देखो मंगलवार है, मतलब मंगलवार सोमवार को तो भीड़ होती ही है, लेकिन एकदम भी भीड़ नहीं है। मतलब मैं बताऊँ 150 रुपये की बिक्री किया हूँ अभी, और कभी कभी ना 800-900 रुपये की बिक्री कर लेता हूँ इसी टाइम तक। तो 5 बज गए और सारा कुछ ख़त्म हो गया। मतलब 2 बजे के बाद ना इतनी तेज़ भीड़ हुई, इतनी तेज़ भीड़ हुई कि क्या बताऊँ। बोलते हैं ना कि ग्राहक और मौत कभी भी आ जाती है, तो फिलहाल सिर्फ ग्राहक आए हैं भैया, अभी मौत मत आए, भगवान करे। अभी तो चौपाटी में आया हूँ, और अभी अफवाह उड़ रही है लॉकडाउन होने की। महाराज आप बताइए लॉकडाउन के बारे में क्या कहना है? महाराज गुटखा खा के बम है, कुछ नहीं बोलेंगे। आप बताइए, मैं जा रहा हूँ घर, आप बताइए लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा बोलते हैं। लेकिन पता है कुछ न्यूज़ आ रहा है व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक में देखा हूँ कि 22 तारीख से अंबिकापुर, मतलब यहाँ से सूरजपुर से दूर है 40 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका, वहाँ पे लॉकडाउन होगा। लेकिन सूरजपुर का कोई अभी न्यूज़ नहीं आया। सूरजपुर का थोड़ी आया है, अभी नहीं, सूरजपुर का नहीं आया है, देखते हैं क्या होता है। तो 30-40 रुपये की फुल्की बची हुई थी तो मैंने खिला दी, और ये सामान ले लिया। पता है घर में दिक्कत है, मतलब रात में ना जो जहाँ पे हम लोग पानी पूरी तलते हैं वहाँ पे पानी गिर के ना वहाँ का पूरा होल्डर वगैरह स्विच वगैरह उड़ गए हैं पूरे। इसको लगा दूंगा तो ठीक हो जाएगा भाई। क्या है ना, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट रात में दिक्कत होती है। और रात में फिर कौन स्विच लेने जाएगा और कौन लगाएगा रात को, ये सब लफड़ा होता है फिर। तो घर आ गया हूँ, फटाक से इसको फिट कर देता हूँ, फिर मार्केट निकलते हैं, सामान उमान ले आऊँगा। मेरे को ना ये वाला बल्ब चेंज करना है, पता नहीं होल्डर ख़राब हो गया है कि पानी गिरता है, जंग लग गया है कहीं, क्या बोलते हैं जो भी उसको, देखते हैं इसको कैसे चेंज करें। मैंने उसको फिट कर दिया बट फिर भी नहीं जल रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना सब कुछ खोल के ये एक बगल से पेचकस लाया हूँ, इसमें भी करंट नहीं है। तो भाई यहाँ भी फाइनली हो गया और यहाँ भी हो गया भाई, लेकिन मच्छरों ने काट डाला बहुत तेज़, यहाँ भी लग गया, अब यहाँ पर रोशनी रहेगी। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और वहाँ पर पापा लोग ले ही तोड़ रहे हैं, और मेरा भाई भी आ गया, ये देखो। अभी तुरंत दुकान लेके आया है, पापा पैसे दे दे सामान लाना। आज मैं बाज़ार में गया टमाटर वगैरह लेने, क्योंकि उसमें आके लग गया था, फिर वहाँ मार्केट चला गया थोड़ा कुछ और काम से। पैसे दे देना, कल आना, 2 किलो टमाटर और 1 किलो मिर्चा और 10 रुपये का अदरक, 10 रुपये का लहसुन और 20 रुपये धनिया पत्ती। आज मेरा भाई भी 26 रुपये की दुकानदारी किया है। मिर्चा 60 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो, नहीं 60 रुपये की मिर्चा और नीचे वाले टमाटर 25 रुपये किलो देते ना, 60 की मिर्चा, 50 का टमाटर 110, 10 रुपये का अदरक, 10 रुपये का लहसुन और 20 रुपये धनिया पत्ती, 110 और 40 150 रुपया। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बट सुबह हो चुकी है और मेरा ठेला भी तैयार हो चुका है। वैसे सुबह भी बहुत कुछ काम था और शाम को मैं बना नहीं पाया, सो गया था। तो चलिए आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।